अहमदाबाद पुलिस एक बार फिर नाकामी आई है। एक बार फिर पुलिस ने FIR लिखने में आनाकानी की। अहमदाबाद के कागरा पीठ पुलिस स्टेशन में पुलिस ने FIR लिखने से इनकार कर दिया। शाहीबाग के हनुमान गोपाल प्रसाद माली को मनीष मदनलाल जैन नामक व्यक्ति ने, जो मोटर्स कंपनी के मालिक है, फर्जी फाइनेंस कंपनी के लिए पैसों का लालच देकर अपनी कंपनी में ज्वाइन करने को बोला और पार्टनर के नाम पर 17 लाख रुपए हेड लिए और उन्हीं पैसों से वर्कर से काम कराता रहा। करीब एक साल बाद जब हनुमान गोपाल प्रसाद माली ने पैसे मांगे तो मनीष मदनलाल जैन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही धमकी भी दी कि जो करना हो कर ले। इस घटना के बाद जब हनुमान जी ने फरियाद करनी चाहिए तो पुलिस वालों ने अर्जी नहीं लिखी, जिसके चलते हनुमान गोपाल प्रसाद को भूख हड़ताल करनी पड़ी। अपने करीबियों के साथ मिलकर वो कागरा पीठ पुलिस स्टेशन के पास ही भूख हड़ताल पर बैठ गए और आज इस घटना को 5 दिन हो गए हैं। नमस्कार, मैं पारस राठौड़, आप देख रहे हैं आपका न्यूज अहमदाबाद जिले के अंदर। 5 दिन से एक छोटा सा परिवार का हिस्सा और वहां के मुख्य मैन जो परिवार का जो भरण पोषण चला रहे हैं उनके साथ एक धोखाधड़ी का केस हुआ है और एक जो बहुत बड़ा फाइनेंस कंपनी जो उनका जो पैसे लेके भागने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने 5 दिन से पहले एक पुलिस जो कागरा पीठ पुलिस स्टेशन के सामने अपना बोरी बिस्तर डाल के अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। चलिए उनसे बातचीत कर दें। सर, आपका नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम हनुमान गोपाल प्रसाद माली है। 30/6 से मैंने इनको एप्लीकेशन दिया हुआ था, मेरी अर्जी दिया हुआ था, तो मेरे को FIR रजिस्टर करना है। मेरे साथ में मनीष मदनलाल जैन करके है, जो कि मोटर कंपनी वगैरह सब 2-3 कंपनियां चलाता है, तो मेरे को उसने कंपनी के अंदर ज्वाइंट होने के लिए लालच दिया और उसके बाद में लोगों को रखने के लिए पगार भाड़ा ये सब दे देंगे। फिर उन्होंने दिया नहीं, 4-6 महीने तक टल्लाए रखा, फिर 6 महीना 8 महीना ऐसे करते करते 1.5 साल तक मेरा पैसा चढ़ाता गया वो, और आखिर में उसने पूरा ऐसा बोल दिया कि अब मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तेरे से जो होता हो कर ले। उसके अंदर उनके फादर वगैरह वो सब अपने को कोई समझने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद में मेरे को कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। यहाँ आने के बाद में मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 30/6 से मैं कंटिन्यू यहाँ पे रोज डेली दो तीन दिन में पुलिस वाले रोज़ सुबह PI साहब बोले कल आना परसों आना, डेली इधर आ रहा हूँ। उसके बावजूद भी मेरे को न्याय नहीं मिला। 45 दिन बाद जब मैं उसके पास में गया, PI साहब को मिला, संदीप भाई मोदी करके यहाँ के PI, उन्होंने मेरे को गेट आउट बोल दिया कि तुम इधर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी फरियाद नहीं ली जाएगी, तुम्हारा सिविल मैटर है। मैंने बोला साहब मेरे साथ चीटिंग हुआ है, सिविल मैटर नहीं है ये, कि नहीं नहीं तुम्हारा सिविल मैटर है, ऐसा करके मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद में मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, भाई साहब मेरे साथ गलत हुआ, आप ले लो मेरी फरियाद। उन्होंने नहीं सुनी। फिर मैंने कंट्रोल में फ़ोन किया 100 नंबर पर, उन्होंने बोला जितनी बार कंट्रोल लगाना उतनी बार लगा, मैं आपकी FIR नहीं लूँगा। उसके बाद मेरे को इधर 5 दिन बैठना पड़ा, और जैसे ही मैं पहले दिन बैठा वैसे तुरंत मेरे पे 151 निकाल के मेरे को अंदर डाल दिया उन्होंने। सर, तो आप पे जो ये घटना घटी थी ये कहाँ पे थी और आपके जो ऑफिस कहाँ पे थी? मेरा ऑफिस सर्किस था। इन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि आप मेरे साथ जुड़ो, इनकी ऑफिस है यहीं पे पीछे महावीर मार्केट में है, जहाँ से ये सब चालू हुआ। फिर इनको मैंने 10 वक्त बोलने के बावजूद भी इन्होंने मेरे को बोला कि तुम बावड़ा धोड़का 2 जगह खोलो और सब जगह काम तुम संभालो और सब जगह का जो भी है पेमेंट वगैरह मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, वो उन्होंने दिया नहीं। और अभी उल्टा मेरे पे ब्लेम करते हैं कि तुमने नहीं दिया है, तुम नहीं दे रहे हो मेरे को, कि मैं कुछ भी झूठे सबूत इकट्ठा करके तुमको अंदर डलवा दूंगा, ऐसे मेरे को धमकियाँ दे रहे हो। और यही मेरे साथ हुआ है, आज मेरे साथ में भी मेरे ऊपर फरियाद लेने के बाद भी मेरे ऊपर फरियाद मेरी लिखी गई है। ऐसा कितनी बार की मैं तो रोज डेली कहता था, इसके बावजूद मैं 45 दिन तक इधर आया तो PI साहब ने भी मेरे को बोला, मैं उसको बुला के तुम्हारे जो भी है निपटारा करवा देता हूँ। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। आज 1.5 साल के अंदर अंदर मेरे को खाली धक्के मिल रहे हैं और अभी मेरा सब कुछ दाव पे लग गया है। आपके हिसाब से कितने पैसों का ये घोटाला? 17,78,000 का है। 17 लाख रुपए। और मेरे जैसे और भी लोग हैं, इनकी भी उन्होंने गाड़ियाँ स्क्रैप कर दिया है। इन्होंने तो FIR किया, उसमें 15 दिन वॉन्टेड थे वो। मतलब आपके हिसाब से कुल मिला के कितने का मामला? मेरा 17,78,000 का है टोटली मिला के। आपके क्या मांग रहे कानून? मैं कानून से बस मेरी FIR न दे तो मैं सबूत सब रजू कर दी है, उसको अरेस्ट करके जो भी विधि होती है वो आगे करे। अभी आज आपकी FIR हो गई है क्या? हाँ हो गई है, आज मेरी FIR हो गई है। सामने भी लिया लेकिन उनके सामने भी उनको मौका दिया 5 दिन से, तो आज उन्होंने भी मेरे ऊपर किया है FIR। 30 जून से लेकर उनकी आज FIR हुई है, तो देख सकते हैं अगर इतनी बड़ी गुनाहित कार्यक्रम में पुलिस इतना विलंब करेगी तो एक छोटे से परिवार का क्या होना होगा, वो तो अभी आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन प्रेस के साथ पारस राठौड़, आपका न्यूज़ गुजरात अहमदाबाद।